वार्निंग, ये वीडियो आपको अत्यंत वाहियात मानसिक रूप से बीमार और बवासीर एनीमे से दूर रखने के लिए बनाई गई है, तो कृपया करके अपनी सेहत को ध्यान में रखिएगा और इन एनीमे से कृपया दूर रहिएगा, ये आपकी भलाई के लिए है। मम्मी कसम, तो चलिए चालू करते हैं आज के पहले एनी कैंसर से, दैट इज डायबॉलिक लवर्स। ये एनीमे सभी वैम्पायर एनीमेस के नाम पर धब्बा है। लिटरली जब लाइफ में कुछ ना बचे ना काम करने को, तो ये एनीमे देख लेना, लिटरली देख लेना। इस एनीमे में पूरी कहानी में सिर्फ एक बंदी है, उसके पीछे 6-7 वैम्पायर भाई मिलकर उसका खून चूसते रहेंगे। मतलब पूरी स्टोरी में खाली बंदी आएगी, बंदी एंटर करेगी रूम में, उसका खून चूसेंगे और उसको वहीं पर छोड़ देंगे। कई बार तो मैं अपने आप से पूछती हूँ, इसको खून की कमी नहीं होती? हाँ मतलब हद है यार, कुछ भी। अच्छा लकी स्टार देखा है या फिर केऑन? मतलब कुछ क्यूट लड़कियाँ, कॉमेडी और उनकी स्टूपिड हरकतें, एंड या लॉलीज। पर इस एनीमे के पास ये सब है, लेकिन फिर भी भाई ये अलग लेवल का टॉर्चर है। सच बताती हूँ, मैंने इस एनीमे का 2 एपिसोड देखा और आगे देखने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। वी विदाउट विंग्स, नाम सुन के इस एनीमे की भोली सूरत पर मत जाना। मेरे पास इस एनीमे की वाहियातपन को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ गए। मैं लेजिट जब स्क्रिप्ट लिख रही थी ना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था ना मैं इसकी बुराई कैसे करूं, ऐसी ऐसी गालियां आ रही थी, लेकिन आई वाज लाइक जाने दो छोड़ो। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आपने ये एनीमे देखने का प्लान भी किया ना, मैं कहती हूँ अपनी थरक पूरी करने के लिए हेंताई देख लो, ये मत देखो, बवासीर है। बवासीर एक आम समस्या है। प्यूपा, इस एनीमे की बुराई करना मैं कहाँ से चालू करूँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब अगर किसी का दिन खराब करना हो ना, तो उसको जाके ये एनीमे का एक एपिसोड दिखा दो। मैं सच बताती हूँ, सुसाइड कर लेगा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अगर इसके एपिसोड्स 4 मिनट से ज़्यादा के होते तो मैं खुद ही अपने आप को गोली मार चुकी होती अभी तक। लेकिन पूरा एनीमे का स्क्रिप्ट अगर मैं कट शॉट भी करने की ज़रूरत है, अगर बताऊँ समरी में, तो खाली 2 वर्ड्स आते हैं पूरी स्क्रिप्ट में, दैट इज डिलीशियस एंड ओनीचान। हैंडशेकर्स इज वन ऑफ दो CGI एनिमेज एंड इट इज लेजिट डिस्गस्टिंग एंड रिडिकुलस। जब ये एनिमे रिलीज होने वाला था तब इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी एंड एवरीवन हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस एनिमे, लेकिन देखने के बाद पता चला कि ये एनिमे बद से भी बदतर है। अगर ये एनिमे देखकर आप लोग जिंदा बच गए हो तो ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। यार अभी तक मैंने सिर्फ 5 एनिमे के बारे में बताया है और मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचा लो यार, मेरे को नहीं करना है। जेनरेशन ऑफ केओस, अगर तुम्हें पोकेमॉन, डिजिमॉन, स्लेइंग शिट ये सब का एक मिक्स खिचड़ी टाइप कुछ देखने का दिल करे, लेकिन हाँ बहुत सेंसलेस है, देखने का दिल करे तो जाके ये एनीमे देख लो, जेनरेशन ऑफ केओस, इन्जॉय। आइस, ये एनीमे जब मैं 10 साल की थी तब मैंने देखा था एंड आई गेस 1 या 2 एपिसोड्स, और सच बताती हूँ मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं समझा था कि इस एनीमे में चल क्या रहा है। एंड मैं सही बोलूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे नहीं समझा, क्योंकि अगर मुझे समझ जाता ना, देन आई एम डैम श्योर मैंने एनीमे देखना छोड़ दिया होता अभी तक। कुछ भी बकवास था उस एनीमे में। द प्लॉट गोस दिस वे कि धरती पर से सारे लड़के गायब हो जाते, द मेल पॉपुलेशन ऑफ द होल अर्थ गेट्स डिसअपीयर्ड समवेयर, आई डोंट नो। एंड ऐसे मतलब जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसे सिचुएशन में धरती पे जो लड़कियां बचती हैं उनका क्या होता है? अगर आप लोग को देखना है, आपको इंटरेस्टिंग लगा प्लॉट, देन बी श्योरली गो वॉच इट, बट आई रिकमेंड मत देखना। डार्क कैट,
काली बिल्ली रास्ता काट देती है तो दिन खराब जाता है, ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है। लेकिन अगर डार्क कैट आपकी स्क्रीन पर आ गई तो कहीं आप अपने लैपटॉप और या फिर आप जिस पे भी एनीमे देखते हो वो कहीं फेंक ना दे, तोड़ फोड़ ना दे। मतलब अगर आपको ढंग की हॉरर मूवी चुनना नहीं आता ना तो मत देखा करो, क्या मजा आती है ऐसी मनहूस अजीब वो गरीब चीजें देखने में यार। कंसेप्शन, ओके आई अंडरस्टैंड हैरम एनिमे अच्छे होते हैं लाइक कामिसामा किस, ब्रदर्स कॉन्फ्लिक्ट, अमनीशिया एक्सेट्रा, लेकिन ये क्या बकवास है? बिकॉज इसे का एनिमे विदाउट हैरम बेकार होता है, लेकिन स्टोरी में एटलीस्ट कुछ तो डालो यार। मार्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, बस ये आखिरी एनिमे, फिर इसके बाद इन बलासीर एनिमे इसका नाम तक नहीं लेने वाली मैं अपने मुंह से, कसम से। मार्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एनिमे सभी ब्रेन कैंसर एनिमेस के बीच में एक हीरा है हीरा, क्योंकि इस एनिमे से भी सब लोग बोल चुके हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और जिन्होंने ये एनिमे देखा है उन्होंने अपना गुस्सा एमएल के रिव्यूज़ में निकाल दिया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़े सबके रिव्यू। अगर आपने भी इनमें से कोई भी कैंसरस एनिमे देखा है तो मेरी सहानुभूति बिल्कुल आपके साथ है, और अगर इतना सब जानने के बाद भी आप इनमें से कोई भी एनिमे देखने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस। अभी के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके ये ओटाकुस्तान की मंदिर का घंटा भी बजा देना प्लीज़। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑसम कंटेंट। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।